नहीं मिला। इनके पीछे जिन लोगों का हाथ है उनमें से एक है शहादत अली खां। कैसर बाग स्थित शहादत अली खां का यह मकबरा उन जगहों में से एक है जिनका एक एक पत्थर कलात्मकता की कहानी कहता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ का जो कलात्मकता है और इसकी शान शौकत है, ये मकबरा बेतहाशा रूप से बयां करता है। कैसर बाग से लेकर दिलखुशा कोठी तक लगभग सभी विशेष इमारतें इन्हीं की बनवाई हुई है। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा अपनी कारीगरी के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन असल काम शहादत अली खान के मकबरे में ही देखने को मिलता है। यह मकबरा 3 मंजिला है और मुगल शैली के आखिरी दौर का बेहतरीन नमूना है। यह इमारत लखौटी ईंटों से बनी है जिसको जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल हुआ है। मकबरे के फर्श बालुआ पत्थरों की बनी हुई है। इसके चारों तरफ मेहराबे हैं जिनसे अंदर दाखिल होते हैं और उनके साथ छतरियां हैं। इसके कोनों में घुमावदार सीढ़ियां हैं जिनसे छत तक या तहखाने में पहुंचा जा सकता है। ऊंची शानदार गुंबद पर उल्टे कमल को उखेरा गया है और उसके ऊपर के कंगूरा है। अगर हम गुम्मत को देखें तो उसके ऊपर का हिस्सा फूलों के गुलदस्ते जैसा है। मकबरे की फर्श एक काली और सफ़ेद मार्बल की है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे शतरंज की बिशाद बिछी हो। इस मकबरे के पीछे की तरफ शहादत अली खान की 3 बीवियों की कब्रें हैं और पूरब की तरफ उनकी 3 बेटियां दफन हैं। गुम्बद के ठीक नीचे वो जगह रेखांकित है जहाँ पर नवाब साहब दफन हैं, लेकिन उनकी मज़ार तहखाने में है। उसके साथ 2 और कब्रें हैं जो शायद उनके भाइयों की है। शहादत अली के मकबरे के साथ पूर्व दिशा में उनकी बेगम खुर्शीद जदी का मकबरा भी है। ये दोनों मकबरे बड़े बेटे गजीउद्दीन हैदर ने के लिए बनवाए गए थे। शहादत अली खान ने खूबसूरत इमारतों का निर्माण कराया था। अवध की राजधानी लखनऊ में कैसरबाग इलाके से लेकर कोठी दिल आराम मुनावर बख्श कोठी खुर्शीद मंजिल और चौपड़ घुड़साल से लेकर दिलखुशा कोठी तक की सभी इमारतों का निर्माण शहादत अली के शासनकाल में हुआ था। नवाब साहब स्थापत्य कला के बहुत बड़े प्रेमी थे। शहादत अली खां और खुर्शीद जादी का यह मकबरा अवध वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। मकबरे की शानदार छत और गुम्बद इसकी खासियत बताते हैं। यह मकबरा अवध वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।